डाटा पंच की ग्लोबल एनकैप से क्रिस टेस्ट स्कोर की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से डिबेट शुरू हो गई है कि क्या टाटा पंच XUV300 और नेक्सॉन जैसी एक सेगमेंट ऊपर की कारों से ज़्यादा सेफ है। तो इस वीडियो में हम टाटा पंच की क्रिस टेस्ट रिपोर्ट को बारीकी से समझेंगे और फिर बाकी पॉइंट्स पर भी डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाटा पंच को टोटल 5 स्टार मिले हैं क्रिस टेस्ट में। उसी के साथ पंच को एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 16.45 स्कोर मिले हैं आउट ऑफ 17, जो कि अब तक की सबसे सेफेस्ट इंडियन कार महिंद्रा XUV300 से भी ज़्यादा है। XUV300 को 16.42 स्कोर मिले थे, बट यस, ये माइनर पॉइंट स्कोर है। बट चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में पंच को बेहतर स्कोर मिला है, 14.89 आउट ऑफ 49। वही XUV300 को 37.49 मिले हैं, यानी पंच एडल्ट एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंसी दोनों में अच्छा स्कोर कर रही है। अब ग्लोबल एनकैप में फुल 5 स्टार स्कोर करने के लिए बॉडी का साइड इंपैक्ट करना मैंडेटरी है, जहां उस पर साइड मोबाइल बैरियर से 50 KMPH की स्पीड पर टेस्ट किया जाता है। उसमें भी पंच ने बेहद अच्छा स्कोर किया है। साइड इंपैक्ट में ए पिलर से सी पिलर तक ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है पंच की बॉडी सेल को। और ग्लोबल एनकैप ने ओवरऑल टाटा पंच की सेफ्टी को देखते हुए उसकी बॉडी सेल इंटीग्रिटी और फुटवेल एरिया को स्टेबल बताया है। उसी के साथ पंच ने ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों को हेड, चेस्ट एंड नी पर अच्छा प्रोटेक्शन दिया है, जो कि अच्छा स्कोर है नेक्सॉन एंड XUV300 से। और पंच में टाटा का न्यू अल्फा आर मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है, जो कि इसके सिबलिंग अल्ट्रोस में भी यूज़ किया गया है। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि पंच ने अल्ट्रोस से भी ज़्यादा स्कोर किया है सेफ्टी रेटिंग में, बिकॉज उसकी माइक्रो SUV बॉडी स्ट्रक्चर ने उसे थोड़ा एडवांटेज जरूर दिया है। एट द एंड कंक्लूजन की बात करें तो पंच अब XUV300 को पीछे पछाड़ते हुए इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार बन चुकी है। और आई विल अप्रिसिएट टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा, जिन्होंने अपनी कार्स में सेफ्टी को लेकर बेहद सख्त और अच्छे कदम उठाए हैं, जो कि बाकी कार ब्रांड्स के लिए एक सीख है। सो आई होप आपको टाटा पंच की सेफ्टी क्रैश टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बारीकी से समझ आया होगा। बट आपके फिर भी कुछ डाउट्स हैं या मुझसे कुछ बताना पीछे छूट गया हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।